दोस्तों क्रिकेट के टेस्ट वनडे और T20 फॉर्मेट में सबसे लोकप्रिय यदि कोई है तो वह T20 क्रिकेट है। फटाफट क्रिकेट की दुनिया में T20 फॉर्मेट का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। कई खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि T20 क्रिकेट को सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो ये फुटबॉल की तरह ही लोकप्रिय हो जाएगा। हालांकि वर्तमान समय में जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर सभी दुनिया भर में लीग आयोजित की जा रही है उससे भी ये बेहद लोकप्रिय हो रहा है। T20 क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के विभिन्न कारणों में से एक है इसमें बल्लेबाजों द्वारा छक्का मारना। हालांकि ऐसे भी कई बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20 के अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक भी छक्का नहीं लगाया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको 5 ऐसे ही लोकप्रिय खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय मैच तो खेले लेकिन उनके बल्ले से एक भी छक्का नहीं निकल सका। दोस्तों अगर आप फैंटेसी गेम खेलते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि माई 11 सर्कल से बेहतरीन एप्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे बात 1500 रुपए के वेलकम बोनस की हो या फिर 20% एक्स्ट्रा डिपॉजिट की या फिर बात हो 5 करोड़ रुपए के फर्स्ट प्राइज की, ये सभी ऑफर आपको सिर्फ और सिर्फ माई 11 सर्कल पर ही मिलेंगे। तो सोच क्या रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो और खेलो VVS लक्ष्मण, सौरभ गांगुली और राशिद खान जैसे प्लेयर्स के साथ। Addictive. Please play responsibly and at your own risk. अंबाती रायडू IPL के बड़े बल्लेबाजों में से एक हैं। IPL में लंबे लंबे छक्के लगाने वाले अंबाती रायडू भारत की ओर से T20 अंतरराष्ट्रीय खेलते हुए एक भी छक्का नहीं लगा सके। हालांकि उनका अंतरराष्ट्रीय T20 करियर अधिक लंबा नहीं था, भारतीय टीम की ओर से अंबाती रायडू ने कुल 6 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जिनमें 5 पारियों में उन्होंने मात्र 42 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 5 चौके अवश्य लगाए लेकिन कभी भी छक्का नहीं लगा सके। एंड्रयू स्ट्रोस, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रोस अपने समय के दिग्गज बल्लेबाजों में से एक हैं। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्रोस इंग्लैंड के लिए खेलते थे। टेस्ट और वनडे मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी कर चुके स्ट्रोस ने अपने करियर के अंतिम दिनों में ही T20 क्रिकेट खेला। स्ट्रोस ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए केवल 4 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच ही खेले। इस दौरान उन्होंने 18.25 की औसत से मात्र 73 रन बनाए जिसमें उन्होंने 9 चौके लगाए थे लेकिन उनके बल्ले से कोई भी छक्का नहीं निकल सका। इस तरह उनका T20 अंतरराष्ट्रीय करियर बिना छक्कों के ही समाप्त हो गया। माइकल वॉन, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन क्रिकेट पर अपने विवादित विचारों के लिए चर्चा में रहते हैं। T20 क्रिकेट में एक भी छक्का न लगा पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में माइकल वॉन का होना सबसे हैरान करने वाला है क्योंकि वॉन इंग्लैंड के पहले T20 कप्तान थे। हालांकि वॉन ने अपने देश के लिए मात्र 2 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच ही खेले जिसमें 13.50 की औसत से उन्होंने 27 रन बनाए। अपने T20 करियर में वॉन ने 4 चौके भी जड़े लेकिन उनका का खाता नहीं खुल सका। इमामुल हक, पाकिस्तानी बल्लेबाज इमामुल हक वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम के नियमित खिलाड़ी रहे। इमाम ने अपने देश के लिए 43 वनडे मैच खेलते हुए 16 छक्के लगाए। लंबे समय तक पाकिस्तान की वनडे टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके इमाम का T20 अंतरराष्ट्रीय करियर कुछ खास नहीं रहा। अपने वनडे डेब्यू में शतक बनाने वाले इमामुल हक ने अब तक कुल 2 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जिनमें 10.5 की औसत से मात्र 21 रन ही बना सके। इन 2 मैचों के दौरान उन्होंने 2 चौके लगाए लेकिन एक भी छक्का नहीं जड़ सके। स्टीफन फ्लेमिंग ने चेन्नई सुपर किंग्स के कोच के रूप में अपना नाम बनाया है। अपने खेल के दिनों में वे न्यूजीलैंड टीम के बड़े बल्लेबाजों में से एक थे। फ्लेमिंग ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 15,000 से अधिक रन बनाए। स्टीफन फ्लेमिंग ने न्यूजीलैंड के लिए 5 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जिसमें उन्होंने 110 रन बनाए थे। दिलचस्प बात यह है कि फ्लेमिंग ने अपने T20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 20 चौके लगाए लेकिन कभी भी छक्का नहीं लगा सके। रियान मैकलारेन, दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी रियान मैकलारेन IPL में अपने अच्छे प्रदर्शन के बाद बेहद लोकप्रिय हुए। रियान मैकलारेन ने पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के लिए IPL में बेहतरीन प्रदर्शन किया। रियान मैकलारेन ने अपने करियर में 12 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले लेकिन वो अपनी टीम के लिए इस शॉर्ट फॉर्मेट में एक भी छक्का नहीं लगा सके। हैरानी की बात तो यह है कि 12 T20 मैच खेलने के बाद भी मैकलारेन अपने करियर में केवल 9 रन ही बना सके। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले माई 11 सर्कल ऐप को जरूर से डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर से ट्राई करना। Involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk.